नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है खबरों की सदाकत और शफाफियत का अलमबरदार चैनल है। वसीला उर्दू टीवी, खबरें मुलाहजा। जम्मू व कश्मीर पर मरकज हमला आवर है, राहुल गांधी का बयान। दो बरस कबल भारतीय जेर इंतजाम कश्मीर को हासिल खसूसी आईनी अख्तियारात के खात्मे के बाद कांग्रेस पार्टी के किसी बड़े रहनुमा का यह पहला दौरे कश्मीर है। राहुल गांधी श्रीनगर में कई अहम सियासी शख्सियात से मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सरकर्दा रहनुमा राहुल गांधी 9 अगस्त पीर की शाम श्रीनगर पहुँचे थे, जहां पार्टी के रियासती रहनुमाओं ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि मरकज की जानिब से जम्मू और कश्मीर पर हमला किया जाता रहा है, ताहम अब कश्मीर वाहिद रियासत नहीं है जिस पर मरकज के हमले हो रहे हैं, बल्कि मुल्क की दीगर गैर बीजेपी रियासतों पर भी हमले हो रहे हैं। फर्क बस इतना है कि कश्मीर पर डायरेक्ट हमला हो रहा है और दीगर रियासतों पर बिलवास्ता। मुल्क के तमाम इदारे, यहाँ तक के अदालतें भी मरकजी हुकूमत के हमलों की जद में हैं। भारत के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने का मुतालिबा किया और साफ शफाफ इंतखाबात के मुतालिबे को दोहराया। ताहम दफा 370 की बहाली के बारे में कोई भी बात नहीं की गई। उनका कहना था कि भारतीय मीडिया इस वक्त हुकूमत के शदीद दबाव में है और वो आवाज तो उठाते हैं, ताहम उसे दबा दिया जाता है और बेशतर मीडिया इदारे उनकी बातों को नश्र करने या शाये करने से गुरेज करते हैं। राहुल गांधी ने कश्मीर में जो कुछ भी कहा वो भारतीय मीडिया में शाया नहीं हो सका। राहुल गांधी के दौरे कश्मीर के असरात 5 अगस्त 2019 में जब मोदी हुकूमत ने कश्मीर की दफा 370 को खत्म किया तो उसके कुछ दिन बाद ही राहुल गांधी ने बाज दीगर कांग्रेसी रहनुमाओं के साथ कश्मीर का दौरा करने की कोशिश की थी, ताहम मोदी हुकूमत ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी थी और श्रीनगर एयरपोर्ट से ही उन्हें वापस भेज दिया था। राहुल गांधी के साथ कारकुनान की एक बड़ी तादाद तो देखी गई, ताहम तजिया कारों का कहना है कि रियासत में इस वक्त जो मायूसी और बेचैनी है इस पर इस दौरे का कोई खास असर नहीं पड़ेगा। मुकामी लोगों के बारे में किसी भी फैसला साजी में मुकामी कश्मीरी रहनुमाओं का अब कोई अमल दखल नहीं है और सख्त गिर हिंदू तंजीम आरएसएस के नजरियात व पॉलिसियों पर अमल किया जा रहा है। दो बरस कबल मोदी हुकूमत ने दफा 370 को खत्म करने के लिए कश्मीर में कर्फ्यू जैसी सख्त बंदिशें आयत कर दी थी और सैकड़ों कश्मीरी रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें से बेशतर अब भी भारत की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं, जबकि बहुत सी सख्त बंदिशें अब भी आयद हैं। जर्मनी ने अफगानिस्तान में दोबारा फौज भेजने की तजवीज मुस्तरद कर दी। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी है और जंगजुओं ने एक और सूबे पर कब्जा कर लिया है। अब तक वो 6 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। अमेरिका ने भी कहा है कि अब मुल्क के दिफा की जिम्मेदारी अफगान फोर्सेस पर है। तालिबान ने 9 अगस्त पीर के रोज अफगानिस्तान के एक और शुमाली सूबे समनगान के दारुल हुकूमत ऐबक पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया और इस तरह गुज़िश्ता 5 रोज के अंदर तालिबान 6 सूबाई दारुल हुकूमतों पर अपना कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। ऐबक शहर से मिलने वाली इत्तला के मुताबिक अफगान हुकूमती फोर्सेस ने शहर में इजाफी फोर्सेस और फिजाइया की मदद तलब की थी, ताहम काबुल हुकूमत बर वक्त मदद पहुंचाने में नाकाम रही और अफगान फौज शहर छोड़कर फरार हो गई। ऐबक पर कब्जे से कबल इतवार को तालिबान ने दिफाई नुक्ते नजर से अहम शहर कंदूज, सरपल और तालकान पर कब्जा कर लिया था, जबकि इससे कबल शबरगान और तमरूज के दारुल हुकूमत जरिंज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। इस तरह अब तक वो 6 सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा कर चुके हैं, जबकि हरात के नवाह में भी तालिबान और हुकूमती फोर्सेस के माबैन शदीद लड़ाई की इतलात हैं। इधर लश्करगाह और कंधार पर भी कब्जे के लिए शदीद लड़ाई जारी है। कंदूज ही वो शहर है जहां गुज़िश्ता 10 बरसों से जर्मन फौज तैनात थी और गुज़िश्ता जून में इसी शहर से बिलाखिर जर्मनी वापस
आई थी। जर्मन वजीर दिफा एनिग्रेट क्रामकारियन बाउज ने पीर के रोज तालिबान की पेश कदमी की खबरों पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि कंदूज समेत पूरे अफगानिस्तान से मिलने वाली इत्तलात बहुत ही तकलीफ देह और तलख हैं। हमने वहां अपने इत्तेहादियों के साथ जंग लड़ी और जर्मन फौजी भी इस जंग में हलाक हुए। अफगानिस्तान में तकरीबन 20 बरस तक जर्मन अफवाज की तैनाती के दौरान बहुत से मुस्बत पहलुओं का जिक्र करते हुए कहा, हम बज़ाहिर जो कुछ भी करने में नाकाम रहे वो अफगानिस्तान में तवील मुद्दती मुस्बत तब्दीली थी। मुस्तकबिल में अब जब कभी भी बैरून मुल्क फौज तैनात करनी हो तो हमें इससे सबक लेने की जरूरत है। कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट का मरकज को नोटिस, जवाब तलब। कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल और पोस्ट वैक्सीनेशन डाटा को मंजर आम पर लाने का मुतालिबा करने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से इस नोटिस के जरिए जवाब मांगा है। काबिले जिक्र है कि अदालत ने मरकजी वजारत सेहत के साथ साथ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियों को भी नोटिस जारी किया है और सभी से 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर जेकब फोलेल ने अदालत में ये अर्जी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो अर्जी पर नोटिस जारी कर रहा है, लेकिन टीकाकारी को लेकर लोगों के जहन में कोई गलत फहमी नहीं पैदा करना चाहता। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस ऋषिकेश राय की बेंच ने कहा कि क्योंकि वैक्सीन पर अंदेशे से पहले ही मसला पैदा हो रहा है, मुल्क वैक्सीन की कमी से लड़ रहा है, टीकाकारी जारी है और हम इसे रोकना नहीं चाहते हैं। अर्जी दहिंदे की तरफ से सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने अदालत में कहा कि ICMR समेत सभी बैन अलाक्वामी रेगुलेटरी उसूल है कि वैक्सीन डेटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अवामी तौर पर डेटा जारी किए जाने पर माहरीन इस पर गौर करते हैं। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि टीका कारी के अमल को रोक दिया जाए, लेकिन ट्रायल के डेटा को अवाम के सामने लाया जाना चाहिए। वकील प्रशांत भूषण ने अपनी बात रखते हुए कहा कि ज्यादा तालीम याफ्ता अशखास में खौफ है क्योंकि खुद मुख्तार माहरीन ने वैक्सीन या टेस्टिंग के डेटा नहीं देखे हैं। भूषण ने अदालत में यह भी दावा किया कि गुज़िश्ता 1 महीने में कोई टीकों की वजह से 3,000 लोगों की मौत होने की खबर मिली है। बहरहाल अर्जी में कहा गया है कि लोगों को जरूरी खिदमत तक पहुंचने के लिए शर्त की शक्ल में कोविड वैक्सीन लगाने के लिए मजबूर करना गैर आइनी है। इसमें कहा गया है कि वैक्सीन के मामले में हुकूमत ने लाजमियत नहीं रखी है और वैक्सीन लगाने वाले को खुद फैसला लेना है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि निजी इदारों की जानिब से मुलाजमीन को मजबूर क्यों किया जा रहा है। मकतूबे रियाज मिंग जानिब के एन वासिफ सऊदी अरब। सऊदी अरब में हज व उमरा व जियारत कौमी कंपनी के रुक हानियल अमीरी ने कहा है कि पीर से माहाना 20 लाख अफराद उमरा करेंगे। मस्जिदुल हराम में उमरा जायरीन की तादाद बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि 130 उमरा कंपनियों और इदारों ने बैरून मुल्क से उमरा दरखास्तों की वसूली शुरू कर दी है। सऊदी नौजवानों को उमरा जायरीन के इस्तकबाल की तरबियत दी गई है। एयरपोर्ट और होटलों पर उमरा जायरीन को COVID-19 से बचाव की तदाबीर के साथ खुश आमदीद कहा जाएगा। अल अमीरी ने कहा कि बैरूनी उमरा खुलने पर मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी शरीफ के अतराफ वाक़ होटलों और टावर्स में 60% तक रिहायशियों का इजाफा होगा। उन्होंने मजीद कहा कि मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के अतराफ होटल और टावर्स बैनुल अक्वामी मियार के हैं। सब ने कोरोना SOPs की पाबंदी के इंतजाम कर रखे हैं। 24 घंटे सफाई, सैनिटाइजिंग, समाजी फासले और मास्क वगैरह की पाबंदी होगी। वजारत हज का कहना था कि बैरूनी उमरा जायरीन को तदरीजी तौर पर वीजे जारी होंगे। उन्हें उमरा जियारत, मस्जिद नबी और रोजे शरीफ में नमाज के मौके मुहैया होंगे। मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को उमरा, नमाज और जियारत के इजाजत नामे जारी किए जा रहे हैं और किए जाते रहेंगे। हर उमरा जायर से एतमरना और तवक्कलना ऐप्स के जरिए उमरा इजाजत नामे चेक किए जाएंगे।
اندرون ملک سے عمرہ مسجد نبوی کی زیارت مسجد الحرام میں نماز کے اجازت ناموں کے اجرا کے لیے ویکسین شرط ہے۔ بیرون مملکت سے آنے والے عمرہ زائرین کو اپنے ملک کے سرکاری اداروں سے مصدقہ ویکسین سرٹیفکیٹ منسلک کرنا ہوگا۔ اس بات کی پابندی بھی کرنا ہوگی کہ مملکت میں منظور کردہ کوئی ایک ویکسین لی گئی ہو۔ ایسے ممالک جہاں سے آمد پر پابندی لگی ہوئی ہے وہاں سے مملکت آنے والوں پر ہوٹل قرنطینہ کی پابندی لاگو ہوگی۔ جن ممالک پر سعودی عرب میں داخلے پر پابندی ہے ان میں ہندوستان اور پاکستان بھی شامل ہیں۔ لیجئے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں مظہر عباس کو سماعت فرمائیے گا۔ چند کتاب پیش خدمت ہیں کہ پہلی کتاب کا عنوان ہے شوہر آشور۔ شادی سے پہلے تھا وہ ایک عالم میں انتخاب، شادی سے پہلے تھا وہ ایک عالم میں انتخاب، تھے مسئلے نہ گھر کے نہ کچھ روزگار کے، اور بیگم کی خواہشوں نے کیا نیم جاؤں سے، آثار اب ہے چہرے پہ اجڑے دیار کے۔ اور اگلا کہتا ہے کورونا کے حوالے سے، ماسک منہ سے ہٹا کے حد کر دی، ماسک منہ سے ہٹا کے حد کر دی، بھری محفل میں آ کے حد کر دی، اور جو انہیں منہ نہیں لگاتے تھے ان کو کھانسی لگا کے حد کر دی۔ ایک اور کہتا ہے، دیکھ کر بھاگا ہوں میں کفگیر اس کے ہاتھ میں، دیکھ کر بھاگا ہوں میں کفگیر اس کے ہاتھ میں، آ گئی ہے اب میری تقدیر اس کے ہاتھ میں، اور اب کچن کے سارے برتن روز دھلواتی ہے وہ، ایک دفعہ چاٹی تھی میں نے کھیر اس کے ہاتھ میں۔